अभी गर्मी ने रौद्र रूप नहीं दिखाया है, लेकिन जल संकट की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। इस बार अप्रैल में ही नदियों के सूखने की जल संकट गंभीर होने के आसार हैं। सोनीपत को छूकर निकलती यमुना नदी सूखने लगी है। नदी में रेत ही रेत उड़ रही है। तेजी से घटते जलस्तर के कारण अधिकतर हैंडपंप और कुएं भी जवाब देने लगे हैं। जमीन में 1500 फुट नीचे भी पानी नहीं मिल रहा है। पानी का दुरुपयोग भी रोकना होगा और किसानों को फ्लड इरिगेशन की बजाय माइक्रो इरिगेशन के सिस्टम यूज करने होंगे, जैसे स्प्रिंकलर इरिगेशन है, माइक्रो इरिगेशन है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, इनके द्वारा पानी की बचत की जा सकती है। सोनीपत में यमुना नदी किसानों की लाइफलाइन है। यमुना से ही दूसरी छोटी नदियां, नहरों में पानी भेजा जाता है। जब यमुना में ही पानी नहीं होगा तो ये भी अपने आप ही सूख जाएंगी। इन नदियों से पानी निकल के छोटी नदियों में जाता है, जो कि इन नदियों में पानी नहीं रहेगा तो उन नदियों में पानी नहीं जाएगा और हमारी खेती विनाश की तरफ है। सरकार को इसमें लगातार पानी छोड़ने के लिए बोला जाए कि इसमें पानी आएगा तो किसानों को बढ़िया फसल उगेगी और जमीन में जल स्तर बना रहेगा पानी का। जाहिर है जब अभी ये हाल है तो आने वाला समय चुनौती भरा होगा। हालात यही रहे तो लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसेंगे। सोनीपत से योगेश सूद के साथ टीम फोकस हरियाणा।